नमस्कार, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। नवरात्रि का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सलमान खान के प्रोडक्शन की ये फिल्म है और इस फिल्म से सलमान खान अपने जीजा आयुष शर्मा को बॉलीवुड में लॉन्च कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ मौजूद लोगों से कि उन्हें इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा। नवरात्रि का ट्रेलर देखा और जैसा कि सलमान खान की बहन की शादी हुई है हीरो से, तो शादी हो गई थी, दहेज रह गया था, दहेज अब दे रहे हैं सलमान खान। बहुत ही बढ़िया ट्रेलर है, अरबाज भी दिखे, सोहेल भी दिखे, सलमान का वॉइस ओवर है, पता नहीं फिल्म देखेंगे तो पापा भी दिख जाएं, मम्मी भी दिख जाएं। हाँ, बहन के प्यार के चक्कर में सलमान खान ने कुछ पैसे ज़रूर लगा दिए हैं, 2-4 करोड़। फिल्म का ट्रेलर दम है नहीं, कुछ भी, कोई स्टोरी नहीं है, नॉर्मल स्टोरी है, मतलब कुछ भी मज़ा नहीं आया देख के, और ना ही एक्टिंग है। सबसे बड़ी बात तो एक्टिंग है ही नहीं कहीं पे। सलमान खान से भी बुरा एक्टर है सलमान का जीजा। सलमान खान के प्रोडक्शन में बनी हुई फिल्म है तो बहुत ऑब्वियस है कि वो कमर्शलाइज्ड फिल्म होगी। वो पूरी टोटल फुल एंटरटेनमेंट वाली लग रही है, मतलब म्यूज़िक, एक्शन, गाना, जो एक टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल फिल्म है। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो आयुष शर्मा को देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि उनको बिल्कुल भी आती है, क्योंकि बिल्कुल ही एक्सप्रेशनलेस दिख रहे हैं वो थ्रू आउट दी ट्रेलर। और एक और चीज़ मैंने इसमें नोटिस की है कि उनके घर के जितने लोगों को काम नहीं मिल रहा है बॉलीवुड में, उन्होंने उन सबको डाल दिया उठा के इस फिल्म में। 2 बड़े एक्टर्स हैं ऑब्वियसली, बट उनको साइड रोल्स दिया गया, तो मतलब मुझे तो बहुत पसंद नहीं आई ओवरऑल ट्रेलर इट ऑल, मतलब वो बहुत ही घिसा पिटा सा ट्रेलर है। नवरात्रि का ट्रेलर देखा, नए एक्टर्स के साथ सलमान खान फिल्म लेके आ रहे हैं, घर के ही एक्टर हैं उनके तो खैर कुछ, और पूरी इस कार का स्टार कास्ट भी ऐसी ही है। हाँ, लेकिन 2 अच्छे एक्टर इस फिल्म में हैं, राम कपूर और रोनित राय। उम्मीद करते हैं कि फिल्म अच्छी होगी। ट्रेलर देख के अगर डायलॉग की बात करें तो काफ़ी रिपीटेटिव जैसा डायलॉग लगा, जो एक 9 दिन वाला है कि आपके पास 9 दिन है, 9 दिनों में आप कुछ कर सकते हो, ऐसा ही हमें चक दे इंडिया में भी सुनने को मिला था। खैर, फिल्म फिर भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है कि नवरात्रि के दिनों में गरबा है, गरबे वाले गाने हैं, तो दर्शकों को शायद छुट्टी के दिनों में हॉल तक खींच के ले आया। और सलमान खान भी यही उम्मीद कर रहे होंगे कि इस फिल्म के बहाने उनके जीजा का कैरियर जरूर चमक उठे बॉलीवुड में। कुछ अच्छा नहीं लगा ट्रेलर में, काफ़ी बोरिंग टाइप का था। म्यूज़िक अच्छा था और सलमान खान तो बॉलीवुड के हैं ही हैं, मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं वो, और अपने जीजा को भी लेकर आ गए हैं, प्रोडक्शन हाउस उन्हीं का है। खैर, कुछ इम्प्रेसिव नहीं लगा, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि मज़ा आ जाए देखकर, तो मैं खुश नहीं हूँ ट्रेलर से। ट्रेलर जैसी उम्मीद थी वैसा ही है, क्योंकि सलमान खान की मूवीज़ से आप और ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसमें कुछ नया होगा या ऐसा कुछ होगा। हालांकि म्यूज़िक अच्छा लग रहा है और जो नई लड़की है, क्या नाम है उनका, वरीना हुसैन, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। सेट बहुत अच्छे लग रहे हैं, वाइब्रेंट कलर, क्योंकि गुजरात की उस पर बैकग्राउंड पे है तो कलर्स बहुत अच्छे हैं, नवरात्रि का फील है, तो ओवरऑल वैसे देखने में खूबसूरत लग रही है फिल्म। बाकी ऐसे स्टोरी तो हम सलमान खान की मूवी से ना ही एक्सपेक्ट करें तो बेटर है, तो स्टोरी वगैरह तो कुछ ऐसे खास है नहीं, लेकिन हाँ ओवरऑल लुक के लिए आप मूवी देखने के लिए जा सकते हैं। नेपोटिज्म पे पहले से बहुत सारी बहस चल रही थी बॉलीवुड में, भाई भतीजावाद पे, अब ये जीजावाद भी शुरू हो गया है, सलमान अपने जीजा को लॉन्च कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि अब सलमान को या बाकी बड़े सभी सितारों को ये समझने की ज़रूरत है कि अब इंडिया में जो दर्शक हैं अब कहानी देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो धड़क सैराट से कहीं ज़्यादा अच्छी कमाती, अगर इन चीज़ों को अगर नाम को लेकर और उस हिसाब से देखा जाए तो, या फिर कई ऐसी फिल्में, रेस 3 का बुरा हाल नहीं होता। तो अब अगर सलमान को लगता है कि उनके नाम से वो अपने जीजा को लॉन्च कर देंगे और वो चल जाएंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद तो भाई साहब इतने बेवकूफ़ नहीं है कि अपने 300-350 सिर्फ हम इसीलिए लगा देंगे क्योंकि वो सलमान के जीजा हैं। कुछ होना चाहिए था, कुछ भी नहीं है ट्रेलर में, मज़ा तो नहीं आया। ट्रेलर देखा, कोई खास मज़ा नहीं आया, वही लव स्टोरी, वही लड़का भाग रहा है लड़की के पीछे, यही सब है, तो कुछ खास नहीं है, बस खास यही है कि वो सलमान के जीजा हैं। नवरात्रि का ट्रेलर देखा, ट्रेलर कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। सलमान 2 डेब्यू स्टार्स को लेकर आ रहे हैं, अगर आप ट्रेलर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक है, तो मैं पर्सनली शायद इस मूवी को देखने ना जाऊं। नवरात्रि के समय ये मूवी आ रही है तो आप ये 1 टाइम वॉच मूवी कह सकते हो इसे, तो देखते हैं कि कैसी होगी मूवी। नवरात्रि का ट्रेलर देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा उसमें, बस मुझे एक ही चीज़ अच्छी लगी, उसका जो सॉन्ग था वो, मतलब गरबा वगैरह अभी फेस्टिव सीजन में वो मज़ा आ सकता है। नवरात्रि का ट्रेलर आया है, ट्रेलर देखा और देखने के बाद लग रहा है कि ये ट्रेलर क्यों देखा,
फिल्म में ट्रेलर में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जो आपने फिल्म जो आप जिसके लिए आप इनक्रेज हो कि आप मूवी थिएटर तक जाओ, जो कुछ भी था सब ट्रेलर में ही था, तो मैं तो कह रहा हूँ कि ट्रेलर देख लो, फिल्म हॉल तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखा आपने जनता को, लवरात्रि का ट्रेलर कुछ खास नहीं लगा, तो फिलहाल हम आपको यही कहेंगे कि आप भी जाइए और लवरात्रि का ट्रेलर देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सलमान खान के जीजा आयुष की फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।